गाइस, हाउ आर यू? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हो और घर भी सुरक्षित हो और सेफ हो आप सभी। वेलकम बैक माय चैनल माय वर्ल्ड में आपका फिर से स्वागत है। आज जो विषय है मेरा वो सभी क्यूट क्यूट नन्हे नन्हे प्यारे बच्चों के लिए भी हैं और साथ में ये बड़े बच्चे भी देख सकते हैं ताकि वो आसानी से समझ पाए। बड़े बच्चों को तो ये पता चल गया कि ये शब्द क्या होते, छोटे बच्चों को आसानी से समझ में आ जाए इसीलिए मैं अपनी कुछ प्यारी प्यारी चीज़ों के साथ आप सबका फिर से उसको समझाने के लिए कुछ कुछ प्रॉब्लम लेके आई हूँ। ठीक है, तो आज का जो विषय है वो है विलोम शब्द। सबसे पहले बच्चा, विलोम शब्द क्या होता है? विलोम शब्द यानी कि विपरीत, विपरीत यानी कि उल्टा, यानी कि उल्टा प्रकट करने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। ठीक है, यानी कि आपको उसके विपरीत वर्ड यानी कि विपरीत शब्द बताने वाले या प्रकट करने वाले या बोध होता हो कि इसका विपरीत है तो आपको उसे क्या कहेंगे? विलोम शब्द कहेंगे। अगर सही रूप में उसकी परिभाषा को देखें तो उल्टा प्रकट करने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। ठीक है, आज ना मेरे पास आप लोगों के लिए बहुत सी चीज़ें हैं, पता है आप लोगों को दिखाने के लिए। आपको बहुत छोटे छोटे बच्चों को डॉल पसंद है ना, मेरे पास डॉल तो आज नहीं है बट एनिमल्स है, पता है आपको? मेरे पास एनिमल्स दिखाई दे रहा है आपको, डियर हिरन है, डॉगी ठीक है, कुत्ता है, हाथी, एलिफेंट्स हैं, छोटा मेरा प्यारा से खरगोश भी हैं, पेड़ हैं, वृक्ष ठीक है। उसके अलावा मेरे पास ना खाने की चीज़ें भी हैं, आप देखोगे ये है मेरे पास खाने की चीज़ें, इसमें है मेरे चाय और इसमें है शरबत, ये मुझे दोनों पसंद है। ठीक है, ये मैं टेस्ट करके आपको बताऊंगी कैसा लगता है। ठीक है, और साथ में मैंने चाय के साथ लिया है टेस्टी टेस्टी वाला बिस्किट्स, मुझे ना बिस्किट बहुत पसंद है, स्पेशली मेरी गोल्ड वाला बहुत पसंद है इसलिए मैंने लिया है। ठीक है, तो आज जो मैं आपको बताने जाने वाली हूँ वो आप ध्यान से सुनना। ठीक है, आप जो चीज़ों का इस्तेमाल करते हो उसी चीज़ों से आपको पता चल जाएगा विलोम शब्द क्या है। सबसे पहले मेरे पास है क्या? हाथी, यानी कि एनिमल्स दिखाई दे रहा है आपको। हाथी ना कैसा है पता है आपको? कैसा है यानी कि हाथी कैसा है? बड़ा है। और कुत्ता देखा आपने, कितना छोटा है, देखो कुत्ते के साथ मैंने हाथी को रखा, छोटा है ना, छोटा है ना, यानी कि ये हाथी क्या है? बड़ा है। कुत्ता क्या है? छोटा है। बड़े का ऑपोजिट वर्ड क्या होता है? छोटा। ठीक है, ये कितना क्यूट है ना, मैं इसी से खेलती थी पता है, अब भी मैंने इसको सजा के रखे, आप लोग भी खेलते मुझे पता है ना। उसके बाद मेरे पास दूसरा क्या है? हिरन। और ये छोटा सा खरगोश देखा आपने, आपको दिखाई दे रहा पता है आपको? सब बोलते हैं, मैंने भी देखा है जू में जाके, हिरन ना बहुत तेज भागता है, बहुत तेज, और खरगोश है ना थोड़ा सा धीरे भागता है। ठीक है, तो क्या हो गया हमारा? हिरन तेज भागता है, ये धीरे भागता है। तेज का ऑपोजिट क्या होता है, यानी कि तेज का विलोम शब्द क्या है? धीरे। ठीक है, पता चला। उसके बाद मेरे पास क्या है नेक्स्ट? नेक्स्ट है मेरे पास पैर। ठीक है, ये कितना बड़ा है ना, कितना बड़ा है, देखा आपने कितना बड़ा है, और कितना ऊंचा भी है, देखा ये वाला, देखो छोटा छोटा भी है ना। उसके बाद ये कितना नीचे भी है, देखो एक ऊंचा है तो दूसरा नीचा है कि नहीं, यानी कि ऊंचा का विलोम शब्द क्या होता है हमारा? नीचा। ठीक है, समझ आया आपको? उसके बाद मेरे पास टेस्टी टेस्टी खाने वाली चीज़ें जो मुझे बहुत पसंद है, ये क्या है? बिस्किट्स। ये बिस्किट के पूरा है ना, देखो हाँ पूरा है ना, गोल वाला देखा, सर्कल पूरा बिस्किट से, इसको मैंने तोड़ दिया यहाँ पे, क्या हो गया अब? आधा ना, क्योंकि मुझे ना पूरा बिस्किट अभी नहीं खा सकती, बाद में खाऊंगी। ठीक है, और अब मैं आधा खाऊंगी इसलिए मैंने आधा लिया है कि नहीं। तो ये जब ऐसे था तो क्या था इसका? पूरा। जब ये हाफ हो गया तो ये क्या हो गया? आधा। जब मैंने इसको तोड़ दिया हो गया आधा, यानी कि पूरा का विलोम शब्द क्या होता है? आधा। ठीक है,
आपको समझ आया ना, मुझे पता है। आप ना इन्हीं चीज़ों का घर में टेस्ट कीजिएगा और मम्मी को बोलिएगा भी, ठीक है। तो पूरा का विलोम शुभ क्या होता है, आधा। अब आधा वाला मैं बाद में आपको खाऊंगी और आपको दिखाऊंगी भी, ठीक है। आप लोग भी खाना, ठीक है, टेस्टी है बिस्कुट्स। इसके बाद मेरा है क्या, शरबत, जो मेरी बहुत फेवरेट। देख ये इसको ना मैंने अभी अभी जस्ट फिर से निकाला है, देखती हूँ पी के। ओह ठंडा है, क्योंकि अभी मैंने फिर से निकाला है ना, बहुत ठंडा है। ये है मेरी चाय, चाय पी के देखती हूँ कैसी है। अरे चाय कितनी गर्म है, होठ पे लग गई, देखा आपने, यानी कि ये कितना गर्म है चाय और ये कितना ठंडा है शरबत ना। यानी कि गर्म का ऑपोजिट क्या होता है, गर्म का विलोम शब्द क्या होता है, ठंडा। समझ में आया। यानी कि आज हमने इन पॉप के साथ, इन चीज़ों के साथ क्या सीखा, ऑपोजिट यानी कि विलोम शब्द क्या होते हैं। यानी कि हमें ये क्लियर समझ में आ गया, उल्टे प्रकट करने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, विलोम शब्द और विपरीत शब्द, एक ही बात है ना। आप पता है मेरी मम्मी मुझे ना बहुत प्यार करती है, बहुत, और ना पापा भी मुझे बहुत प्यार करते हैं, है कि नहीं। तो मम्मी का ऑपोजिट क्या होता है, हमारा पापा, ठीक है। आज ना सुबह पता है क्या हुआ, सुबह ना मेरी मम्मी ने मुझे बहुत डांटा, तब मैं क्या कर रही थी पता है आपको, ऐसे रो रही थी पता है। लेकिन जब मेरे पापा आए ना मेरे लिए इतने सारे फ्रूट्स और चॉकलेट्स लेके आए, तब मैं फ्रूट्स और चॉकलेट्स देख के क्या कर रही थी पता है, जोर जोर से हंसने लगी, कैसे ऐसे बहुत खुशी के जरिए हंसने लगी। तो क्या हो गया ना, यानी कि मम्मी जब डांट रही थी मैं क्या कर रही थी, रो रही थी, और पापा ने जब बहुत सारी चीज़ लेके आए मुझे हंसाना और मैं देख के क्या कर रही थी, हंसने लगी। यानी कि हंसना और रोना, रोना का ऑपोजिट क्या होता है, हंसना, ठीक है। समझ आया आपको। तो ये सारी चीज़ें हमारे क्या है, विलोम शब्द के लिए मैंने इस्तेमाल किया है। हमने आज विलोम शब्द में क्या क्या सीखा है, बड़ा का ऑपोजिट छोटा, ठीक है, तेज का विलोम, ठीक है, ऑपोजिट यानी कि विलोम, तेज का विलोम क्या होता है, धीरे, ऊंचा का विलोम क्या होता है, नीचा, गर्म का ऑपोजिट ठंडा यानी कि गर्म का विपरीत ठंडा, और उसके बाद पूरा का विलोम शब्द आधा। समझ आया आपको। और फिर क्या है, रोना का ऑपोजिट हंसना। समझ आया। तो बच्चों को कैसा लगा आप मुझे बताइएगा, उसके बाद भी आपको प्रॉब्लम होती है तो मुझे बोलिएगा, मैं फिर से आपको समझा के दूंगी, ठीक है। बाय बाय, आपको सेफ रहना है, सुरक्षित रहना है।